सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ फ्रेंड्स, अपने मोबाइल फ़ोन से आधार कार्ड डाउनलोड कैसे करेंगे। आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ फ्रेंड्स, जैसे कि आप कहीं मुंबई चल गए, दिल्ली चल गए, एक कंट्री से दूसरे कंट्री गए, अगर वहाँ पे आपका आधार कार्ड खो गया तो उस सिचुएशन में आधार कार्ड कैसे डाउनलोड करेंगे, आज की इस वीडियो में फ्रेंड्स बताने वाला हूँ। ये वीडियो आप पूरा सीख जाएंगे मोबाइल फ़ोन से आधार कार्ड डाउनलोड कैसे किया जाता है, इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने छोटी रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद लाइक करिए, अगर चैनल बने तो सब्सक्राइब करिए, घंटी प्रेस करिए, ताकि आपको यूट्यूब से रिलेटेड वीडियो आपको चैनल पर मिलती रहे। इसके लिए कोई भी आपको एक ब्राउजर ओपन करना या गूगल करना या क्रोम ब्राउजर ओपन करना। चलिए यहाँ से मैं गूगल को ओपन कर लेता हूँ। गूगल को जैसे ही ओपन करेंगे, इस सर्च बार में आपको यहाँ पे टाइप करना है, यहाँ पे UUIDIA लिखती है, आपको यहाँ पे सर्च करना है। जैसे ही सर्च करेंगे, फिर से आपके पास वहाँ पे दूसरा यूज़र इंटरफेस खुल कर आपके पास वहाँ पे शो करेगा। यहाँ पे साइड में आपको नीचे में देख रहा है, फर्स्ट में एक लिंक है, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे, फिर से आपके पास वहाँ से दूसरा पेज खुल के पास आएगा। आपको थोड़ा ऊपर की साइड आपको यहाँ पे स्क्रॉल करना है। आपको ऊपर की साइड स्क्रॉल जैसे ही करेंगे, आपको वहाँ पे साइड में आपको एक ऑप्शन दिखा देगा डाउनलोड का, डाउनलोड आधार, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे, फिर से आपके पास यहाँ थोड़ा ऊपर की साइड आपको ऊपर करना है। यहाँ देखिए, यहाँ से आपके पास आधार नंबर, तो आधार नंबर से कर सकते हैं, आपका एनरोलमेंट आई डी इससे कर सकते हैं, आपको नहीं तो वर्चुअल आई डी से आधार कार्ड डाउनलोड है। ये तीनों में कोई भी आपके पास एक चीज़ है उससे आधार कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कि हम इस बॉक्स में आपको यहाँ पर आधार कार्ड फिल करना, ये डम्स को एक्सेप्ट करना, ये कैप्चा आपको जैसा सेम वैसा ही भरना, सेंड OTP पे क्लिक करना है। चलिए यहाँ पर मैं पूरा चीज़ यहाँ पर फिल कर लेता हूँ। पूरा चीज़ फिल करने के बाद आपको यहाँ पर सेंड OTP पे क्लिक करना है। अब थोड़ा यहाँ पे आपको वेटिंग कर रहे, देखें यहाँ पे ऑन OTP हैज बीन सेंड टू योर रजिस्टर मोबाइल, आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पर OTP आएगा, ये OTP सेम आपको यहाँ पे भरना है। चलिए यहाँ पे मैं OTP डाल देता हूँ। OTP डाल दिया, आपको थोड़ा ऊपर की साइड ले देना है, यहाँ पे आपको यहाँ पे जो मैं टिक करा आपको वहीं पे यहाँ पे टिक करना है, आपको यस कर देना है। फिर आपको यहाँ से ऊपर ले जाना है, आपको इसको भी यहाँ पे टिक मार देना है, आपको यहाँ पे इसको भी आपको यहाँ पे टिक मार देना है। टिक मारते आपको यहाँ पे साइड में आपको दिखा देगा वेरीफाई एंड डाउनलोड, इस पर आपको क्लिक करना है। अब थोड़ा आपको यहाँ पे प्रोसेस लगना है, ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपके पास खुलकर दूसरा पेज आ जाएगा। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरा आधार कार्ड डाउनलोड हो चुका है। यहाँ पे अब पासवर्ड यहाँ से मांगा जा रहा है, आपका पासवर्ड क्या है। जैसे मेरा नाम है मीर राजा, हमको शुरू का मीर 4 लेटर डालना है, और आपको आधार कार्ड का ईयर क्या है वो ईयर डालना है, आपका वही पासवर्ड बन जाएगा। वो पासवर्ड जैसे ही डालेंगे यहाँ ओपन करना है। जैसे आपका नाम है सुहेल हो गया, जैसे सुहेल मीर हो गया, जैसे सुहेल खान हो गया, सुहेल का आपको 4 लेटर्स आपको शुरू में डालना है, आपका ईयर डालना क्या वही आपका पासवर्ड बनेगा। जैसे मैं शुरू का, मेरा नाम है मीर राजा, मैं शुरू का मीर डाल दे रहा हूँ और लास्ट का ईयर डाल दे रहा हूँ। सो आपको कैपिटल में डालना है, इस बोल में एक भी नहीं डालना है, सब आपको बड़ा अक्षर में डालना। चलिए यहाँ से मैं डाल देता हूँ। चलिए यहाँ पे मैंने डाल दिया, अब यहाँ पे मैं ओपन पे क्लिक कर लेता हूँ। ओपन पे जैसे ही क्लिक करेंगे, देखें यहाँ पे मेरा आधार कार्ड यहाँ पे देखिए डाउनलोड हो चुका है। देखिए यहाँ पे मेरा नेम हो गया, यहाँ पे मेरा आधार नंबर लास्ट का 4 डिजिट आपको देखने के लिए मिलेगा यहाँ पे, जो यहाँ पे मेरा मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। ये देखिए आपका पूरा, ये आपको QR कोड हो गया, QR कोड स्कैन करके आप यहाँ से आधार कार्ड भी यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ये देखिए QR, ये बैक साइड में आपको पूरा एड्रेस आपके आधार कार्ड में जो भी आपके विलेज का नाम है पूरा आपको यहाँ पर शो कर देगा ये आधार कार्ड। देखिए आई होप ये वीडियो आपको पसंद, लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के शेयर कीजिए, मन में कोई कन्फ्यूजन है कॉमेंट करके आप नीचे पूछ सकते हैं।